हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बाबा जी का एक और प्रयास। अब कहिए वाह योगी जी वाह। यहाँ पे आप हेडलाइंस पढ़ रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के 122 पद और कितने महाविद्यालय 61 नए राजकीय महाविद्यालयों में, जबकि यहीं यूपीपीएससी की जो एग्ज़ाम है जीडीसी की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रस्तावित है 17 अप्रैल को, उसमें ये पद नहीं जोड़े जाएंगे। क्योंकि नई शिक्षा नीति आपकी क्या कहती है कि भाई हम गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। अब वो शिक्षा की गुणवत्ता में जो सुधार है ये यूपीपीएससी के द्वारा चयनित अभ्यर्थी नहीं बल्कि जो आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे व्यक्ति वो करेंगे, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले तो ज़्यादा विद्वान होते हैं और आयोग के द्वारा जो चयनित लोग हैं कम विद्वान होते हैं, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, क्योंकि वो 120 प्रश्न जो अपने सब्जेक्ट में देंगे और 30 जो है जीके जीएस का पेपर होगा। ये आपका वो क्वालिफाई करके उसके बाद इंटरव्यू देंगे फिर सेलेक्ट होंगे, इसलिए उनमें कम गुणवत्ता होगी, क्योंकि वो पौवा के बल पे नहीं आएंगे, वो जुआड़ के बल पे नहीं आएंगे। जबकि जो आउटसोर्सिंग वाले होंगे ये 120 और 30 यानी टोटल 150 के बजाय ये आउटसोर्सिंग वाले होंगे और ये जुआड़ वाले होंगे, इसलिए ये शिक्षा की गुणवत्ता में ज़्यादा सुधार कर पाएंगे। मतलब हद हो गई है कि यूपीपीएससी में आपका जो एक सब्जेक्ट है, यदि हम भूगोल विषय की बात करें तो इसमें टोटल 4 पद हैं और इन 4 पदों के लिए कई हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और यहीं 122 पद जो नए 61 राजकीय महाविद्यालय हैं वो इसको इसमें क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। आखिर आउटसोर्सिंग में जो रख रहे हैं उसमें उन लोगों में क्या स्पेशल योग्यता हो जाएगी जो आयोग नहीं परख पाएगा? यानी कि जो 120 प्रश्न आपका सब्जेक्ट में देंगे और 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से रिलेटेड होंगे, क्या इससे ज़्यादा कठिन परीक्षाएं ये आउटसोर्सिंग वाले देंगे? और आखिर ये इसमें क्यों नहीं जुड़ सकता जब आयोग 17 अप्रैल को एग्ज़ाम करा रहा है? अभी आप देखें कि यूपीपीसीएस का जो भर्ती आई है उसमें भी जो नए पद सृजित हुए एसडीएम वगैरह के लगभग 52 से 54 पद ये इसमें जोड़ दिए गए हैं 2021 में, जबकि ये बाद में, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये जो नए राजकीय महाविद्यालय बनेंगे अभी जल्दी नहीं बन पा रहे हैं, बाद में भी नहीं बनेंगे, तो फिर भी ये यूपीपीएससी जो परीक्षाएं करा रहा है इसमें आप ऐड करके इनको वेटिंग लिस्ट में तो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनमें इनके जो व्यक्ति हैं, जो पौवाधारी लोग हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है कि वो 120 और 30 पार करके इंटरव्यू में बैठ पाएँ। यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है बकायदा अच्छी तरह से कि टोटल जो पीजी लेवल 49 और स्नातक स्तर के 12 महाविद्यालय इसमें शामिल होंगे, और ये कौन सा आपका स्पेशल है जो जीडीसी है यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी राजकीय महाविद्यालय, वही तो ये भी है। इसमें भी आपका देखिए कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय के 98 पद होंगे और 12 पद जो है आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें होंगे। 12 राजकीय महाविद्यालयों में टोटल 24 पद हैं, ठीक, तो 98 और 24 टोटल 122 पद। आखिर ये पद आउटसोर्सिंग से क्यों भरे जा रहे हैं जबकि लोक सेवा आयोग में एक विज्ञप्ति जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वो प्रस्तावित है, ये पद उसमें क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं? यदि ये पद जोड़ दिए जाएं तो जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोग जो परीक्षाएं कराता है और एक तरफ आप बोलते हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं, तो कीजिए वाह वाह, लीजिए नया सौगात आपके लिए कि 61 नए राजकीय महाविद्यालय में 122 पद पे आउटसोर्सिंग। अभी तक आउटसोर्सिंग में कौन भरा जाता था? जो ग्रुप सी डी यानी चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे उनको ही आउटसोर्सिंग से भरा जाता था, लेकिन अब आप यहाँ पे पढ़िए स्पष्ट रूप से लिखा गया, ये कल का पेपर है आई थिंक,
अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जिनका पौआ भारी उनका पल्ला भारी, और वही आउटसोर्सिंग से सेलेक्ट भी होंगे। आप देखिएगा, इनको अपने जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, जैसे आपका लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, नहीं आप यूपीपीएससी से भर्ती करा पा रहे, हायर एजुकेशन की 2003 पद आए हैं एडिट कॉलेजों का, आप यूपीपीएससी पे यदि नहीं विश्वास कर रहे हैं तो आप इसको दीजिए ना, यूपीएचईएससी को, जो एडिट कॉलेजों का कराता है भाई। यहीं आप एडिट के बजाय 122 पद यहाँ पे टॉप लेवल पे जो आएंगे स्टूडेंट, उनको आप राजकीय कॉलेजों में रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि यहीं आप जीडीसी से करा रहे हैं पेपर, यहाँ पे पद भी कम है, कई कई विषयों में तो एक एक पदों पे वैकेंसी भरी जाएगी, तो क्या ये 122 जो पद हैं ये इसमें ऐड नहीं हो सकते हैं? अब तो यही लगता है कि अब आपको यदि रोज़गार लेना है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और यहीं यदि आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको पुलिस का डंडा भी खाना पड़ सकता है, क्योंकि ये पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने बीएड बीटीसी देखा ही था, और ये प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है, और इसके लिए आपको कम से कम एक लेटर तो लिखना चाहिए सीएम को, और उसमें इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि यदि यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग वहीं किसी विषय में एक एक पदों के लिए परीक्षाएं कराएगा, तो ये पद उसमें यदि जोड़ दिए जाएं तो जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। सुधार कैसे, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर के वो चयनित होते हैं, पहले वो एग्ज़ाम देंगे रिटेन, उसके बाद उसमें पास आउट होंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर सिलेक्शन फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि आउटसोर्सिंग में ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। तो इसके लिए आप सभी को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, और कम से कम सभी लोग एक लेटर तो लिख के भेजिए, जिससे उनको ये पता तो लगे कि हाँ सेम पद है जो आयोग करा रहा है। हो सकता है वो भूल गए हों कि लोक सेवा आयोग से जीडीसी की भर्ती आई है, और इसका एग्ज़ाम 17 अप्रैल को होना है, क्योंकि इनकी कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको आवाज़ अपनी बुलंद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इतना ही, आगे देखते हैं, जो भी होगा जैसा होगा निर्णय लिया जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।